मेरठ हापुड़ लोकसभा से हाजी याकूब कुरैशी गठबंधन प्रत्याशी हो सकते हैं। आपको बता दें कि हाजी याकूब कुरैशी उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, जिन्होंने अपना प्रचार प्रसार जोर शोर से करना शुरू कर दिया है। हाजी याकूब कुरैशी ने हाल फिलहाल में हापुड़ के ग्राम टियाला व असौड़ा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लोगों की भीड़ ने प्रदेश में बसपा के पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया और उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। वहां मौजूद जनता ने उन्हें पूर्ण समर्थन देने का वादा किया। इस दौरान हाजी याकूब ने कहा कि देश में झूठों की सरकार है, जो लोग जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं, जनता इस बार उनको बता देगी कि झूठों के लिए जनता क्या तोहफा देने वाली है। गठबंधन से आपसी सौहार्द कायम होगा, जो इस देश में एक नए युग की शुरुआत करेगा। मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाकर आप लोगों के बीच में भेजा ताकि मैं आप लोगों की सेवा और खिदमत कर सकूं। हाजी याकूब कुरैशी, मैं आप लोगों से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आने वाले चुनाव में सारे मतभेद बुलाकर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने के लिए आप एकजुट होकर ज्यादा से ज्यादा अपना वोट करें। ज्यादा से ज्यादा वोट करोगे तो इंशाल्लाह हिंदुस्तान में खुशहाली आएगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जो मजबूत पार्टियां हैं, वो एक होकर नरेंद्र मोदी को उखाड़ने का काम करेंगी। वहीं जनता ने कहा कि हापुड़ की जनता तन मन धन से हाजी याकूब के साथ है। वहीं सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ सर्व समाज एक साथ होकर हाजी याकूब को वोट देगा और सौहार्द की मिसाल पेश करेगा। वहीं इमरान याकूब ने कहा कि यह समय बेहद सतर्क रहने का है, कुछ अपने ही लोगों को बहकाने का काम करेंगे, लेकिन इस बार इस सीट पर सौहार्द जीतेगा और मेरे वालिद हाजी याकूब रिकॉर्ड मतों से इस सीट पर आपके प्यार की बदौलत जीत हासिल करेंगे। हापुड़ में आयोजित हुए कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस दौरान हापुड़ सपा के जिला अध्यक्ष सुबोध नागर, बसपा जिला अध्यक्ष सतीश प्रधान व और भी अन्य पार्टी पदाधिकारी भारी संख्या में मौजूद रहे। अब देखना यह होगा कि बसपा से हाजी याकूब कुरैशी प्रत्याशी हो सकते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल न्यूज़।